बच्चे कैसे सेलिब्रेट करोगे आप न्यू ईयर? मैं तो शॉपिंग पे जाऊंगी, 2 जनवरी को मेरा बर्थडे आता है, शॉपिंग। आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? दिस टाइम इट्स ऑल अबाउट फैमिली एंड कजिन्स, सबको बुला के डांस जरूर करना है, पंजाबी है हम, डांस हम सबसे पहले करते हैं कुछ भी हो। मैं तो अपने साथ बस सेलिब्रेट करने वाली हूँ। आपकी सबसे बेस्ट लर्निंग पिछले साल की क्या रही? किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, सब धोखा देते हैं, क्लोज आते हैं फिर बाद में अपना छोड़ो। सो डियर फ्रेंड्स, फाइनली न्यू ईयर हैज अराइव, नई उमंगों, नई उत्साह और नई उम्मीदों के साथ, जिसमें पुरानी बातों को भूल जाना होता है और नए सपने सजोने होते हैं। और सबसे ज़्यादा न्यू ईयर का जो एक्साइटमेंट है वो यंग चैम्स में देखा जाता है, और हमारे साथ यहाँ पे कुछ यंग चैम्स मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे। आपका नाम? गुरकीरत। ओके, तो आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं नए साल अपना? हम पार्टी करेंगे, थैंक गॉड का थैंक्स करेंगे कि 2020 हमारा अच्छा बीता। और ओके, तो क्या होता है ना कि हर साल हम लोग जो है रेजोल्यूशन लेते हैं, क्या रेजोल्यूशन आपने लेने का प्लान किया है? अचीवमेंट्स, अपने गोल्स को अचीव करेंगे और बाकी अच्छे फ्रेंड्स बने, यही चाहते हैं। ग्रेट। 2022 की आपकी बेस्ट लर्निंग क्या रही? मेरे जॉब लगी यहाँ पे और अच्छी फ्रेंड मिली। ग्रेट। ओके, तो क्या जो चेंज है वो आने वाले साल में आप देखना चाहेंगे इन योर लाइफ और इन सोसाइटी और इन इंडिया? डेवलपमेंट है वो इंक्रीज हो इंडिया में, एजुकेशन को लेके और यंग जनरेशन को मेनली लेके डेवलपमेंट हो। ओके, आपका नाम? प्राची। ओके प्राची, कैसे सेलिब्रेट करोगे आप न्यू ईयर? मैं तो शॉपिंग पे जाऊंगी, 2 जनवरी को मेरा बर्थडे आता है, शॉपिंग। ग्रेट। आप कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं? दिस टाइम इट्स ऑल अबाउट फैमिली एंड कजिन्स, सबको बुला के डांस जरूर करना है, पंजाबी है हम, डांस हम सबसे पहले करते हैं कुछ भी हो। वाओ, आप कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं? मैं तो अपने साथ बस सेलिब्रेट करने वाली हूँ, बिकॉज मेरे सारे फ्रेंड्स घर पे गए हुए हैं, तो बहुत सारे पिज्जाज बर्गर्स के साथ, डांस के साथ, सॉलिट्यूड में। हाँ, ओके, तो हर बार हम जो है रेजोल्यूशन लेते हैं, हर साल का कोई ना कोई रेजोल्यूशन होता है, वो अलग बात है कि कुछ टाइम बाद हम भूल जाते हैं। क्या रेजोल्यूशन आपका है? कि हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपनी लाइफ में जो गोल्स हैं वो अचीव कर रहे हैं। सो वंडरफुल, व्हाट्स योर? आलस नहीं करनी, बहुत आलसी हूँ यार मैं, बहुत ज़्यादा। आई रियली नीड टू, यू नो, आई रियली वॉन्ट कि मैं सुबह जल्दी उठूँ एंड आई रियली डू द वर्कआउट और सब कुछ करूँ, आलस नहीं करनी बस। Wow. योगा स्टार्ट करना है। ओके, कितने दिन करना है फिर उसे? बस करना है जब तक हो जाए। वंडरफुल, लेट्स सी। मैं प्रे करूंगी कि आपका रेजोल्यूशन कंटिन्यू रहे और आप इसे पूरा करें एटलीस्ट इस साल। तो क्या आपकी बेस्ट लर्निंग रही 2022? लर्निंग यही रही कि नो मोर इमोशनल, इमोशनल नहीं होना है लाइफ में, स्ट्रांग रहना है, यही लर्निंग थी। ओके, मतलब इमोशंस तो एक्सप्रेस करने हैं, लेकिन हाँ थोड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस सीखना है। ओके, आपकी क्या बेस्ट लर्निंग क्या रही 2022 की? मेरी बेस्ट लर्निंग ये थी कि भाई जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो जी लो, हर दिन को जियो एंड जितना घूम सकते हो घूमो, जितना खा सकते हो खा लो, क्योंकि सीरियसली वी नेवर नो कि अगले घंटे में ही क्या हो जाए, तो भाई एक ही जिंदगी है, जस्ट एंजॉय टू द फुलेस्ट। इंटरेस्टिंग, आपकी क्या बेस्ट लर्निंग थी 2022? डोंट ट्रस्ट एनीवन, नो वन इज योर फ्रेंड, एवरीवन इज नॉट योर फ्रेंड, सो डोंट ट्रस्ट एवरीवन। ग्रेट। ओके, तो ये है कि हर साल जो है एक नया चेंज लेकर आता है, और हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी लाइफ में, सोसाइटी में, हमारे इंडिया में, इवन पूरे वर्ल्ड में जो है कोई ना कोई चेंज हो। आप क्या चेंज एक्सपेक्ट करते हैं? मैं चेंज यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, क्योंकि अभी एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है यंगस्टर्स के लिए, और जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं इनका भी अभी बढ़े, वैकेंसीज जो हैं वो इंक्रीज हों। आप? आई वॉन्ट कि होता है ना कि हम लोग कुछ भी खाते हैं एंड वी जस्ट थ्रो इट एनीवेयर, आई जस्ट वॉन्ट कि थोड़ा हमारा जो यूथ है उसका ध्यान रखे, भाई हम ही हैं यू नो फ्यूचर ऑफ द इंडिया, सो ये जो गंद है ना आसपास दिखता है तो प्लीज़ मत मचाओ प्लीज़। और मैं चाहती हूँ कि जो बिना बात है ना हॉर्न बजाते हैं ना, वो ना बजाया जाए, हॉन्किंग शुड बी बैंड। यस। ओके,
मैं चेंज आप देखना चाहते हो सोसाइटी में, इंडिया में? और मैं चाहती हूँ कि मतलब कोई भी बहुत काइंड हो, किसी के लिए भी बहुत काइंड रहो, क्योंकि अगर आप किसी को देखते हो उसकी मदद चाहिए तो मदद करो, ये नहीं कि सेल्फी खींच रहे वीडियो बना रहे हो। ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट और उसको प्रूव करो यार कि हाँ वो है अभी भी। Wow, thank you so much for giving your precious time and I wish you very, very happy new year. Lots of love, lots of blessings and lots of prayer and wishes. थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे यंग चैम्स के प्लान कि वो किस तरीके से आने वाले साल को सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्या उनके रेजोल्यूशन हैं आने वाले साल में, क्या लर्निंग्स उनकी बीते हुए साल में रही और क्या चेंज वो सोसाइटी के और अपनी लाइफ के अंदर देखना चाहते हैं। आई होप ये आने वाला नया साल आप सब लोगों के लिए भी बहुत सारी उम्मीदें लेकर आने वाला है और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या प्लान्स हैं और क्या रेजोल्यूशंस आपके हैं नए साल के लिए। और साथ ही कुछ और भी लोग हैं उनसे भी हम जानेंगे कि उनके क्या प्लान्स हैं नए साल के लिए। आपका नाम? मेरा नाम निशांत शर्मा। ओके निशांत, तो नए साल की किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं आप? मैम नए साल की बहुत अच्छी तरह तैयारियाँ हैं, अभी फ़िलहाल हम शाम को ऑफिस में सेलिब्रेट करेंगे और उसके बाद हमारे फार्म हाउस पे अपने कुछ प्लानिंग्स हैं। ओके, रेजोल्यूशन क्या है आने वाले साल के लिए? रेजोल्यूशंस है मैम अपना गोल अचीव करने हैं, नई प्लानिंग्स करनी है और अपना थोड़ा सा देश के प्रति और अपना बहुत योगदान देना है, अभी ये सब रेजोल्यूशंस। आप पिछले बीते हुए साल में सबसे बेस्ट आपके लिए क्या रहा, क्या सीखा? मैम मैंने यही सीखा है कि समाज में थोड़े से लोगों की ना बहुत हेल्प करनी चाहिए, आजकल हमारा यूथ इस तरफ जा नहीं रहा है तो मैं चाहूँगा कि लोग एक दूसरे की हेल्प करें और एक दूसरे को मोटिवेट करें और नई चीज़ें कुछ करें समाज के लिए। क्या बदलाव जो है आप आने वाले नए साल में अपने इंडिया में या आसपास आप देखना चाहेंगे अपने चारों तरफ? मैं अपने यूथ से यही चाहूँगा कि एक ना लोग आजकल धर्म के प्रति थोड़ा सा जागरूक नहीं हो रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि पार्टीज वगैरह तो ठीक है लेकिन लोग गीता पढ़े, थोड़ा अपने धर्म के बारे में जाने और पॉजिटिविटी फैलाए क्योंकि थोड़ी सी ना नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो रही है। आपका नाम? उमा, उमा सिंह। ओके उमा, कैसे मना रहे हो अपने साल, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? मैम सेलिब्रेट तो क्या ही करें, अब फैमिली हम अलाउ नहीं कर रही, बाहर जाना एंजॉय करना फ्रेंड्स के साथ, बट फैमिली के साथ भी एंजॉय करना चाहिए, इसीलिए सोचा इस बार प्लान करते फैमिली के साथ। वेरी गुड। ओके, क्या रेजोल्यूशन इस बार ले रहे हैं आप? फाइनली डिसाइड तो ये किया कि अपना इस ईयर में अपना नेक्स्ट न्यू ईयर पे अपना शादी, अपना फ्यूचर प्लानिंग किया है। आपकी सबसे बेस्ट लर्निंग पिछले साल की क्या रही? बहुत सारा सीखा होगा लेकिन एक किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा। सब धोखा देते हैं, क्लोज आते हैं फिर बाद में अपना छोड़ो। ओके, क्लोज करते हैं। ठीक है, तो क्या बदलाव है आप अपने आसपास और समाज में देखना चाहोगे इस आने वाले नए साल? मेरे सामने आसपास बदलाव ये आना चाहिए कि देखो सब अपना एक अच्छा बाउंड रखें, किसी को कोई नेगेटिव ना बोले। क्या रेजोल्यूशन है आपका नए साल के लिए? अपना वेट लूज करना है। नहीं, मैं डेली अभी जा रहा हूँ जिम, मेरे को बस ऐसा ही है कि रेगुलर अगले साल तक जाता रहूँ, यही है मेरा रेनोवेशन। तो कितना टारगेट लिया है, कितना किलो वजन कम करने का टारगेट लिया है? 10 kg। सीरियसली? हाँ जी सीरियसली। किस तरीके से कम करेंगे 10 kg? अभी रेगुलरली मैं 6 o'clock जिम जा रहा हूँ, ज्वाइन किया हुआ है, तो मेरे को ऐसा है कि मैं इसमें कंसिस्टेंसी बनाई रखूँ, मतलब रेगुलर हो जाए। इसके अलावा लवनीत, आप आने वाले समय में जो है क्या जो है चेंज जो है वो सोसाइटी और इंडिया के अंदर देखना चाहेंगे? मैं यही चाहता हूँ कि लोगों को अपना थोड़ा जो इन्वायरमेंट का पोल्यूशन है ना, ये सबसे मैं चाहता हूँ कि 23 में ख़त्म हो जाए, जो भी एयर पोल्यूशन चल रहा है हमारे दिल्ली NCR में तो ज़्यादा ही चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ ये खत्म हो। हेमंत। ओके हेमंत, आप किस तरीके से अपना न्यू ईयर प्लान कर रहे हैं? मैंने अभी तक तो कोई रेजोल्यूशंस नहीं सोचे हैं, बट होपफुली मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी करना चाहूँगा जो मैं लास्ट ईयर नहीं कर पाया हूँ, जैसे हेल्थ को अपना मेंटेन रखना है प्रॉपरली सो दैट कोई डिजीज़ ना हो या कोई तकलीफ ना आए, हेल्थ इश्यूज़ ना आए, प्लस मेरा जो वर्क है उस पर मैं अपना बेस्ट देने की और ज़्यादा कोशिश करूँगा जिससे मेरा परफॉर्मेंस और अच्छा हो, चाहे मैं वर्क पे हूँ तो ऑब्वियसली मेरा वर्क परफॉर्मेंस अच्छा होना ही चाहिए, इनफैक्ट अगर मैं घर पे भी हूँ
तो भी मुझे अपना बेस्ट देना है जिससे मैं दोनों लाइफ बैलेंस कर सकूं अपनी। बेस्ट लर्निंग मैं अगर कहूं तो बहुत अच्छा रहा 2022, बिकॉज कोरोना से हम मुक्त हो चुके थे ऑलमोस्ट, और बहुत अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट था सोसाइटी में, सब लोग आ रहे थे जा रहे थे, इंट्रैक्शन बढ़ गया था काफ़ी। What did you learn? हाँ, मैं वही उसी पे आ रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर इसी तरीके से आगे भी चलता रहता है तो हमारी सोसाइटी में जो एक हेल्दीनेस, एक जैसे कहते हैं खुशहाली की माहौल था, वो आगे भी बरकरार रहेगा। और इस लर्निंग को मैंने जो देखा कि भाई, क्योंकि मैं जब कोरोना टाइम था तब भी मैं ऑफिस जाता था, तो सारा सोसाइटी, हाँ मतलब लोगों के अंदर एक एक जैसे कहते हैं ना, बाउंस बैक किया लोगों ने। सो दैट इज़ द पार्ट विच आई थिंक दैट बेस्ट फॉर आर इंडियंस एज इन टर्म्स ऑफ कमिंग बैक फ्रॉम दैट काइंड ऑफ ट्रॉमा एंड ऑल। को मेरा मानना है कि सोसाइटी हमारी इस कोरोना के बाद काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, लोगों की मैंटलिटी चेंज हुई है और हमें असलियत का पता चला है। इनफैक्ट बिकॉज अर्लियर हम लोग बहुत ज़्यादा फॉरेन जो हमारी चीज़ें होती हैं उन पर डिपेंडेंट हो गए थे, और इसके बाद हमें पता चला कि इंडिया में क्या छुपा हुआ है। सो दैट इज़ द थिंग विच आई थिंक बेस्ट पार्ट फॉर लाइक वी डिड इन लास्ट ईयर। इनफैक्ट नए साल का इंतज़ार और उसका एक्साइटमेंट भला किसे नहीं होता है। आखिर नया साल कई नई ख्वाहिशें, सपने, बदलाव और उम्मीदें लेकर आता है, जो एक बार फिर से हमारे अंदर जीने का नया जज्बा भर देता है। तो इस आने वाले नए साल की आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। सो आई वुड लाइक टू से हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई मस्ट से दैट यू ऑल शुड एंजॉय दिस ईयर एज वेल, कमिंग ईयर 2023, लाइक यू डिड इन 2022। सो होप फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर। हाय, हैप्पी न्यू ईयर, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई एम विशिंग यू a very very happy and prosperous new year. Wish you all the best. Happy new year. Happy new year. Happy new year. Wish you very very happy new year all of. Happy new year. Happy new year. I really hope ki 2023 sabke liye bahut acha jaye, bahut acha, healthy and wise jaye and wealthy bhi. Happy new year.